माँ के साथ चोल बनाएगी। अभी आधा घंटा हुआ है, चोल बना दो बना दे। फ्रेंड्स, आज मैं सबसे ऊपर वाली छत पर आई हूँ और यहाँ से पानी की टंकी रखी रहती है। ये देखो, हम यहाँ पर ना शॉर्ट बनाने आते हैं बस। हमारी पार्वती शॉर्ट बनाने आई है। ये देखो, साड़ी पहन के धमाकेदार शॉर्ट बनाएगी। अभी आधा घंटा हुआ है, केवल बना दो सारी। झुंड में चिड़िया है और ये एकदम झुंड में ना एक दिशा में जाती हैं, फिर घूमती हैं बादल में। पता नहीं कोई खेल है इनका, शायद खेलती हैं ये। और ये हमारे यहाँ ना बहुत बार होता है, मैंने बहुत बार देखा है। क्योंकि हम जहाँ पर रहते हैं तो आसपास के एरिया में ना पेड़ पौधे ज़्यादा हैं, तो इसकी वजह से इतना खूबसूरत लगता है। फ्रेंड्स, कैमरे में तो उतना अच्छा कैप्चर नहीं किया है, बट सामने से जब देखो ना इतना सुंदर लगता है वो उनका खेल। तो मैंने थोड़ा सा वीडियो बना लिया था ताकि आप लोगों के साथ भी शेयर करूं। तो आप लोग बताना कि आप लोग को भी अच्छा लग रहा है और क्या आप लोगों ने कभी देखा है ऐसा चिड़ियों का ये खेल, तो बताइएगा ज़रूर कमेंट करके। फ्रेंड्स, और ये वाला भी देखो, मेरा फ्रेंड पहले वाला मोबाइल था ना, वो ये वाला व्यू बहुत अच्छा कैप्चर करता था। इसमें तो अच्छा नहीं हो पाता बादल का। बहुत खूबसूरत सा व्यू लग रहा है। ये देखो बादल कितने सुंदर से लग रहा है ना, काले बादल के बीच में सूरज डूब रहा है हल्का हल्का सा, तो सुंदर दिख रहा है। आओ चलो, हम छत से नीचे आ गए हैं। पार्वती का शॉट कंप्लीट हो गया है फ्रेंड्स, और मैं उतर रही हूँ सीढ़ी से। हमारी पार्वती सीढ़ी से उतरने में बहुत डरती है, और मैं तो मोबाइल लेके एक हाथ से पकड़ कर चढ़ जाती हूँ, मुझे नहीं लगता डर। और सब अपने अपने में लगे हैं। पार्वती गई सर जी के लिए कॉफ़ी बनाने, और ये पढ़ाई कर रहा है। सर जी कभी कभी पढ़ाई करता है ना, अच्छे से नहीं करता ना सर जी पढ़ाई, अच्छे से नहीं करता ना पढ़ाई, पढ़ता है मन लगा के मुँह पे तारीफ ना क्या करी सर जी, इसके भाव बढ़ जाते हैं। तो पढ़ाई कर रहा है, मन लगा कर पढ़ता है फ्रेंड। सर जी तारीफ कर देते हैं इसकी, इसीलिए तो इसके कसर चढ़ जाता है। और हम अपने बल्लों को दिखाते हैं, है? ये देखो सर जी भी कह रहे हैं पढ़ाई करता है, तारीफ करनी पड़ेगी। सर जी इसकी बहुत तारीफ करते हैं इसलिए इसके इतने भाव बढ़ जाते हैं, बट पढ़ाई करता है फ्रेंड्स, मन लगा कर पढ़ता है, जितना भी पढ़ता है जितना देर भी। और सबसे बड़ी चीज़ फ्रेंड्स पता है क्या है, इसमें बहुत जल्दी कैप्चर करता है, इतनी समझाते हैं इसलिए सर जी इतनी तारीफ करते हैं। कहते मैंने बहुत सारे बच्चे पढ़ाए हैं, बट ये कैप्चर बहुत जल्दी करता है। बाबू तुमने यहाँ सुसु करी, आज हमें मना किया था क्या, वहाँ मना किया था क्या, गद्दे में सुसु करी, रुको तुम्हें पिटाई करते हैं। फिर रुको, आज बन्नों ने गद्दे में सुसु करी, इसकी पिटाई होती है। फिर रुको, बन्नों ने आज गद्दे में सुसु कर ली है, आज इसकी पिटाई होगी। बाबू तुम्हारी पिटाई होगी आज, खा लो, हम तुम्हारे लिए लेके आए थे चीजी और तुमने सुसु कर दी, गन्नी बच्ची खा लो, अच्छी है मुलायम वाली, ताजी ताजी लाए हैं हम ऊपर से। फ्रेंड्स ऊपर ना बालू पड़ी है तो घास उगाई थी है इतनी सी, बच्चों को बहुत पसंद है ताजी ताजी मुलायम वाली घास। ये भागी है वहाँ से डर के मारे, तो उसने यहाँ के सुसु कर दिया, उसे लग रहा था मैं पकड़ने आ रही हूँ, नहीं तो वो गद्दे में नहीं करती है। मैं उस तरफ गई ना तो उसे लगा मैं पकड़ने आ रही हूँ, इतने समय वो किसी के हाथ नहीं आती है, इसीलिए उसने यहाँ आकर सुसु कर दी। उसको सुसु आई हुई थी। कहाँ जा रही हो बेटू, कहाँ जा रहा है सोना मेरा राजा बेटा? बेटू मेरी रानी बेटी मेरी सोना बेटी कान खड़े करके देखो आवाज़ सुन रही है, बहुत दुलारा बच्चा है मेरा सच्ची में।
इतना चालाक बच्चा है फ्रेंड्स, इतना चालाक बच्चा है ये मेरा। इसने देख लिया कि कैमरा ऑन है तो खाना छोड़ दी, खा नहीं रही थी, और अब देखो घप घप जल्दी जल्दी खाए पड़ी है। तुम मुँह देख लो, ये देखो ये खाने में लगी है। इसने देख लिया था कि मम्मा वीडियो बना रही, तो इसने खाना छोड़ दिया। पता नहीं कहाँ का दिमाग पाती, कैसे समझ जाती कैमरा ऑन है। मेरा क्यूट बाबू है, लेकिन छत पे नजर न लगे मेरे सोना को। कैसे बैठ गया, देखो देखो कैसे बैठ गया खा पी के बाबू। मैं जग मेरी पार्वती ले आई है। पार्वती को सर मार रही है फ्रेंड, बता है पार्वती पन्ना जा रही है, मुझे नहीं इसे जाने देना। इसके छोटे वाले भैया भाभी बुला रहे हैं, जाना है पार्वती, मन है कि नहीं ईमानदारी से बताना। झूठी पार्वती मेरे पास ज़्यादा रहती है, उसका मन यहाँ ज़्यादा लगता है फ्रेंड्स, और कोई रीज़न नहीं है। लेकिन जाना बनता है तो जाएगी ज़रूर, लेकिन ज़्यादा दिन के लिए नहीं भेजूँगी मैं, एक हफ्ते से ज़्यादा के लिए नहीं भेजूँगी, एक हफ्ते के बाद बुला लूँगी मैं, और जो उसको रोकेगा उससे झगड़ा कर लूँगी मैं, मैं नहीं रुकूँगी। मेरा बच्चा नहीं रह पाता है, मेरी बन्नो नहीं रह पाती इसके बिना, आदत है उसको इसकी, साथ में सोएगी आगे पीछे घूमेगी, ऐसे करती है बन्नो। मैं नहीं, मेरे बच्चों को वहाँ भेज नहीं सकती, वहाँ बिल्ली आती है। अभी सोच रही थी भेज दूँगी, लेकिन आज दोपहर मैंने बहुत सोचा, मैं मेरे बच्चों को वहाँ नहीं भेज सकती, सेफ नहीं है वहाँ पे, इसलिए मेरी बन्नो मेरे पास ही रहेगी, कहीं नहीं जाएगी। पार्वती भी जल्दी आ जाएगी, मैं बिजी होती हूँ ना फ्रेंड ज़्यादा, और अभी मम्मी के अभी काफ़ी दिन रह गई हूँ, तो बन्नो के पार्वती के बहुत करीब हो गई है, क्योंकि और कोई था ही नहीं घर पे, तो डीएस के पास थोड़ा बहुत रहती थी, ये रीज़न है। वो ध्यान ज़्यादा देती है, हम लोग घर से बाहर होते हैं, वही खाने पीने हर चीज़ का ध्यान रखती है, तो बन्नो पार्वती करीब ज़्यादा है, तो पार्वती ज़्यादा दिन नहीं जाएगी। और अब अंधेरा हो रहा तो आज यहाँ पे मैं वीडियो नहीं बनाऊँगी, अंदर बनाऊँगी चलते। चाय वाय पी के हम लोग अंदर आ चुके हैं, और अंधेरा कर ली है, और बस अब हम डिनर की तैयारी करेंगे, और डिनर में बनने जा रही है आज गट्टी, तो कोई गट्टे की सब्जी बोलता है, कोई बेसन के आलू बोलता है, तो हमारे यहाँ हम लोग बेसन का आलू बोलते हैं, और लोग अलग अलग शेप में अलग अलग तरीके से बनाते हैं, बट स्वाद वही होता है फ्रेंड्स। ये देखिए हमने बेसन ले लिया है, और उसमें डाल दी है लाल मिर्च और थोड़ी सी हींग और थोड़ा सा गरम मसाला और थोड़ा सा ऑयल डाला है, बहुत थोड़ा सा, आधा चम्मच लगभग। तो अब इसको ना थोड़े से पानी डाल के गूंद लेंगे, टाइट, ज़्यादा टाइट भी नहीं, ज़्यादा ढीला भी नहीं। तो ये पार्वती गूंद रही है, सब लोगों को पता है मेरे हाथ में जो प्रॉब्लम है वो ठीक नहीं हो रही है, उसके कारण कम हो जाती है, बढ़ जाती है, तो ये गूंद रही है। तो बस इसको गूंद के थोड़ी देर के लिए सेट होने के लिए रख देंगे, फिर आगे की प्रोसेस करेंगे फ्रेंड्स, तो बने रहिएगा वीडियो पे। बेसन को गूंद करके सेट होने के लिए रख दिया था फ्रेंड, ताकि थोड़ा सा फूल जाए ना, तो मुलायम बनेंगे बेसन के आलू गट्टे, जो भी बना रहे हों आप लोग, जिस शेप में भी बना रहे हों, तो हम ऐसे गोल गोल आलू के शेप में बना रहे हैं फ्रेंड, इसीलिए इसको बेसन का आलू बोलेंगे। तो बस एक एक करके ऐसे सारे गोलियाँ बना कर रख लेंगे, और पानी उबलने के लिए रख दिया है हमने पहले से ही, तो खोलते हुए पानी में डालेंगे क्योंकि फ्रेंड्स, और स्टीम करके बना रहे हैं, स्टीम करके ही स्वाद आता है, और मुझे लगता है लगभग सब लोग स्टीम करके ही बनाते हैं, तो उसी में स्वाद आता है, क्योंकि मैंने और लोगों का तरीका मुझे नहीं पता है, तो ये मेरा अपना तरीका है, जैसे मेरी मम्मी बनाती है, मैंने अपनी मम्मी को बनाते हुए बचपन से जैसे देखा है, तो वैसे बना रही हूँ। ये देख लीजिए पानी उबलने के लिए हमने गैस में पहले ही रख दिया था, और बस इसी में एक एक करके सारी गोलियाँ डाल देंगे, और जब ये उबल जाएगी ना फ्रेंड्स, टाइट हो जाएगी, तो ये ऊपर पानी में तैरने लगेगी, ये देख लीजिए तैरने लगी है, और हमारी गोलियां हो चुकी हैं। तो बस अब हमारा सब्जी बनाने के लिए तैयार है, तो हम इसको पानी से बाहर निकाल देंगे, ताकि ये हल्का सा ठंडा हो जाए। तो बस देखिए, बने रहिए वीडियो में।
और मसाले में फ्रेंड्स हमने वही सिंपल डेली मसाले, डेली यूज वाले मसाले लिए हैं, धनिया मिर्चा हल्दी नमक। और फ्रेंड्स हमने ना थोड़ा सा गरम मसाला भी लिया हुआ है, तो आप लोग, मैंने ये गोल्डी का गरम मसाला लिया है रेडीमेड वाला, और मैं थोड़ा ही लिया है क्योंकि मैं थोड़ा ऊपर से भी डालूंगी भुना हुआ गरम मसाला जो हमने घर में बनाया है वो वाला, इसलिए इसको कम लिया है इसकी क्वांटिटी। तो ये देख लीजिए, आलू हमने कल्हार ले रहे हैं, मतलब सैलो फ्राई कर रहे हैं ताकि इसका स्वाद और भी ज़्यादा बढ़ जाए। सैलो फ्राई करने के बाद फ्रेंड्स ऐसे भी खा सकते हैं आप लोग, बहुत टेस्टी लगता है। तो ये हमारे पूरे फ्राई हो चुके हैं, तो हम बस आगे की प्रोसेस के लिए बढ़ते हैं। तो हमने ये ले लिया है तेल, तो फ्रेंड्स सरसों के तेल में बनाइए तो मुझे लगता है इसका स्वाद और भी ज़्यादा आता है। बट हमने राइस ब्रान ऑयल लिया हुआ है तो हम उसी में बना रहे हैं, क्योंकि हम लोग राइस ब्रान ही ज़्यादा खाते हैं फ्रेंड्स काफ़ी समय से, क्योंकि जब से मैं बीमार रहने लगी थी तब से। तो कभी कभी बीच बीच बदल लेते हैं, सरसों कभी खा लेते हैं, ऐसा नहीं है, रेगुलर नहीं है, बट राइस ब्रान ऑयल लिया हुआ है। तो आप सरसों के तेल में बनाना तो ज़्यादा स्वाद आएगा। तो ये देख लीजिए, तेल में हमने डाल दिया हींग और तेज़पत्ता, और हींग का यूज़ ज़रूर करना फ्रेंड्स, क्योंकि बेसन है ना तो थोड़ा सही रहेगा पेट के लिए भी। तो हींग और तेज़पत्ता डालने के बाद हमने उसमें मसाले डाल दिए हैं, घोल कर ही डालती हूँ मैं मसाले फ्रेंड्स, आप लोगों ने देखा ही है, क्योंकि उसमें से ना मसाले में झार नहीं आती है और मसाला जलता नहीं है, तो घोल कर ही डालना चाहिए। और ये छोटी छोटी चीज़ें हमने अपनी मम्मी से सीखी हैं फ्रेंड्स, सबका अपना अपना तरीका होता है। मसाले का तेल छोड़ने के बाद फ्रेंड्स मैंने टमाटर डाल दिए थे, और टमाटर ने भी जब तेल छोड़ दिया है तो मैंने उसमें आलू डाल के मिक्स कर लिया था, और उसके बाद पानी डाल दिया है फ्रेंड्स। तो हमने उसी पानी का यूज़ किया है फ्रेंड्स जो हमने आलू को उबालने में यूज किया था, क्योंकि उसमें बेसन आ गया है, थोड़ा घुल जाता है हल्का सा, तो हमने वही यूज कर लिया ग्रेवी के लिए। तो फ्रेंड्स आप पानी उतना ही लीजिए, अगर आपको उससे ज़्यादा पानी की ज़रूरत हो तो आप एक्स्ट्रा यूज करना, नहीं तो उतना ही पानी हमारा तो हो गया था, मुझे लग रहा बहुत थोड़ा सा डाला था हमने उसके बाद। तो थोड़ी सी ग्रेवी चाहिए रहती है, क्योंकि डियर्स को नहीं पसंद है, इस वजह से मतलब सूखी सी सब्ज़ी नहीं खाते हैं, ग्रेवी खाते हैं। तो सब्ज़ी देखने में देखिए कितनी बढ़िया है फ्रेंड्स, अच्छी लग रही है ना, खाने में भी अच्छी बनती है बहुत। और फ्रेंड्स आप धनिया पत्ती ज़रूर डालना, हमारी धनिया पत्ती ख़त्म हो गई थी और मुझे पता ही नहीं था कि धनिया पत्ती ख़त्म हो चुकी है, जब सब्ज़ी बन गई तब मुझे पता चला है। तो हमने धनिया पत्ती नहीं डाली है, तो आप डालना, उसका स्वाद बहुत आता है, धनिया पत्ती का सब्ज़ी में बहुत योगदान है फ्रेंड्स, तो आप ज़रूर यूज कर लेना। और फ्रेंड्स रेसिपी अच्छी लगी हो तो आप भी ट्राई करना और कमेंट करके ही बताना। फ्रेंड्स रात का बज रहा है 11:30 और अब हम लोग सोने जा रहे हैं, बाबू को बहुत जोर वाली नींद नहीं आ रही है, बाबू थोड़ा सा कोर्स रह गया है उसका, 2-3 दिन 4 दिन से स्कूल नहीं गया क्योंकि 2-3 दिन डीएस की तबीयत ख़राब थी, और मेरी मम्मी की तो मैं मायके भी चली गई थी, तो वहाँ से प्रॉब्लम होती है थोड़ा स्कूल भेजने में, क्योंकि भतीजी और भांजी स्कूल जाते हैं तो उनके साथ चला जाता था, और उनकी तबीयत ठीक नहीं चल रही है तो वो लोग जाते नहीं हैं, तो कोई छोड़ने वाला नहीं था वहाँ पर। इसीलिए बैग भी ले गई थी, क्योंकि मुझे पता था ना कोई छोड़ने नहीं जा पाएगा वहाँ से, तो बस इसीलिए अभी भी नहीं जा रहे हैं, अभी भी नहीं जा रहे हैं, अब जा रहे हैं आज गए। तो फ्रेंड्स इसी वजह से तो थोड़ा सा कोर्स कर रहा था इसलिए लेट हो गया, नहीं बाबू तो नहीं आ रही है बहुत जोर वाली। तो बस फ्रेंड्स अब हम वीडियो का एंड कर रहे हैं, नींद मुझे भी आ रही है क्योंकि। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छा लगा हो, और गट्टे की सब्ज़ी हम लोग इसे बेसन का आलू बोलते हैं, तो सब्ज़ी अच्छी लगी हो तो ट्राई करिएगा, और वीडियो को लाइक करिएगा, और जो न्यू मेम्बर्स हैं मेरे चैनल पर प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन के साथ, ताकि मेरे अच्छे अच्छे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। बेल आइकन के साथ करें, ठीक है फ्रेंड्स, तो बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।